नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। माणिकपुर वसई पुलिस की क्राइम यूनिट ने भारत नेपाल बॉर्डर पर जाकर पकड़े चोरी के आरोपी, लाखों का माल किया बरामद। कहते हैं कि पुलिस अगर ठान ले तो अपराधियों का बच पाना मुमकिन नहीं है। ऐसी ही एक कामगिरी अभी वसई माणिकपुर पुलिस की क्राइम यूनिट ने करते हुए 7 जनवरी को एक घर में हुई चोरी के आरोपी को भारत नेपाल की बॉर्डर पार जाकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किए गए 5 लाख से अधिक के सामान की रिकवरी भी कर दी। आपको बता दें, वसई के सन सिटी में मां की मौत के चलते पैतृक गांव गुजरात गए परिवार के बंद घर का फायदा उठाकर बिल्डिंग के चौकीदार, जो कि नेपाल मूल का निवासी है, उसने अपने 2 साथियों के साथ चोरी को अंजाम दिया था, जिसकी पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद माणिकपुर डिटेक्शन टीम ने बिना समय गंवाए आरोपी की तलाश शुरू कर दी और मुखबिर की सूचना एवं टेक्निकल जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य से लगी नेपाल की बॉर्डर से होकर फरार होने की फिराक में बैठे 3 आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। सभी माल की रिकवरी करते हुए मामले को 2 दिन में सुलझा दिया। इस वारदात के मास्टरमाइंड आरोपी पर पहले भी इसी तरह के कुछ मामले दर्ज होने की जानकारी भी पुलिस जांच में सामने आई है। लाए गए 3 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर कर दिया है। कोर्ट ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। वारदात में शामिल एक और आरोपी फिलहाल फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। माणिकपुर पुलिस, मीरा बंदर पुलिस आयुक्तालय में माणिकपुर पुलिस स्टेशन में सन सिटी एरिया है, जो पॉश एरिया, उस एरिया में चिंतामणि बिल्डिंग है, उसमें पहले माले पर 7 जनवरी को घरफोड़ी हो गई, चोरी हो गई, ऐसा समझने के बाद हम लोग सब गए, सब पुलिस ऑफिसर गए, तो वहाँ समझ में आ गया कि पहले माले जो संडास की खिड़की होती है, वहाँ की खिड़की खींच के पहले माले से चढ़ के जो चोर है अंदर आके जो बेडरूम और जो मेन जो उनका 2 बेडरूम है उसमें जो कपाट है वो फोड़ के उनके कपाट में रखे हुए दागिने पैसे चोरा के आसपास 8 लाख के आसपास की चोरी करके भाग गए, ऐसे समझ में आ गया। ज़्यादा तहकीकत करने के बाद समझ में आया कि जो बिल्डिंग में जो वॉचमैन था वही नहीं मिल रहा है, और सीसीटीवी की निगरानी करने के बाद समझ में आ गया कि वॉचमैन के साथ में और 2-3 जन थे। इसके मतलब वॉचमैन तो अकेला था पहले था, और उसने 2-3 दिन पहले ही दो तीन जन को पहले ही बुला के लिया था कि ये चोरी करने का प्लान बना के रखा था। इसमें ऐसे हुआ था कि जो फिरियादी हमारे पहले माले पर रहते हैं, उनका माता जी का देहांत होने के कारण वो भावनगर गुजरात गए थे, उस कारण ये 5-6 दिन ये फ्लैट बंद था, ये वॉचमैन को मालूम था, और उन्होंने ये प्लान बना के ये पहले माले पे एल्यूमिनियम की सीढ़ी लगा के संडास की जो डक के यहाँ से घुस के फिर वो लोखंडी ग्रिल था वो तोड़ के अंदर घुसे हैं। जब ये होने के बाद हमारे API सानप साहब है डिटेक्शन स्टाफ के, और हमारी टीम और 2-3 टीम हमने तुरंत लगा दी इन्वेस्टिगेशन के लिए कि ये कहाँ भाग सकते हैं। अगर ये वॉचमैन है तो नेपाल की तरफ जा सकते हैं या किसी दोस्त के या किसी रिलेटिव के पास। वो जब हमने निकालने की कोशिश की तो समझ में आ गया कि ये एक दो जगह गए भी लेकिन नहीं मिले, तो समझ गया जाएंगे तो वापस नेपाल ही जा सकते हैं। इसलिए फिर यूपी के हमारी महाराष्ट्र इंडिया की जो बॉर्डर है यूपी और नेपाल की मिलती रुक ईडी, हाँ वहाँ जाके हम पहले से ही प्लेन से जाके रुक गए ताकि अगर आ सके तो उनको पकड़ सकें। उनका फ़ोन भी बंद था, कुछ मिल भी नहीं रहा था कि कौन से उसका कुछ मिल, उनका लोकेशन भी नहीं मिला, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस लगाया है हमारे API सानप साहब ने कि उधर से ही जा सकते हैं नेपाल में, तो उस जगह से पहले प्लेन से जाके हम लोग रुके। वहाँ रुकने के बाद 24 घंटे के अंदर ही हमें समझा कि ये जो चोर है वॉचमैन है ये वहाँ ट्रेन से और लग्जरी से आ गए, तो उनको वहाँ दबोच ले लिया गया। वहाँ 3 चोर मिल गए, 3 जो घरफोड़ी करने वाले चोर वो मिल गए, वॉचमैन ही थे वो भी, एक तो नहीं मिला क्योंकि एक पहले ही फरार हो गया था। उनके पास से हमें 5.25 लाख रुपए के दागे जो गोल्ड के दागिने वो सब मिले हैं उनको, और वहीं से हम वापस यहाँ ला के उनको पेश किया है कोर्ट में। ये सर, ये तीनों जन है ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका कुछ बैकग्राउंड है? ये तीनों है सब नेपाल के ही है, ये कभी वेटर का काम करते हैं या वॉचमैन का काम करते हैं। इसमें से एक धर्मराज है, इन्होंने पहले 2 चोरी की है माणिकपुर एरिया में, लेकिन ये वहाँ नाम बदल के रहता था, ऐसे हमें बाद में मालूम पड़ी है। इनका मोड़स एक है, घर देखना, पहले नौकरी करना अच्छी तरह 1-1.5 साल, और फिर अगर कोई घर बंद होने का चांस है
पैसे की जरूरत के कारण तो उन्होंने किया। सर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जाकर पकड़ना पुलिस के लिए कितना चुनौती? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इंडिया की तरफ से हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे देश में जाने के लिए हमें प्रॉब्लम हो सकता, हमारे थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, वो हम अभी पूरा करके हम दूसरा जो चोर है उसको भी लेके आएंगे पकड़ के। सर कुछ आह्वान करना चाहेंगे? आह्वान ऐसे करूंगा कि जब घर पे कोई काम करने वाला या वेटर या वॉचमैन रखेंगे तो उसके थोड़े क्रेडेंशियल्स, उसका अता पता जो लेके आने वाला है उससे उसे पूछताछ करना, उसका आधार कार्ड देखना, पैन कार्ड देखना, और जो इसका जो आता पता देता है उधर अपनी तरफ से एक लेटर भेजना, और ये लेटर अगर डिलीवर हो रहे हैं, अगर वो अनडिलीवर रहता है तो उसका मतलब पता झूठ दिया है ऐसे कुछ है, क्योंकि ये जो है सब ये बाहर देश की आते हैं, जब अगर अपने महाराष्ट्र इंडिया के है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, अपन हम जाके वहाँ खुद जाके भी देख सकते हैं, या बिल्डिंग वाले या किसी के वहाँ रिलेटिव से या कोई दोस्त से उनका आता पता पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब हम तो ऐसे आह्वान करेंगे कि उनका क्रेडेंशियल चेक करने के लिए पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। उन लोगों ने हमारे सोसाइटी के फ्लैट मेंबर सेक्रेटरी सर निखिल कामदार जी उनके घर पे चोरी की, और हीरे और सोने के दागिने और 90 लाख रुपए कैश लेके भागे हुए हैं। कब की घटना है? ये लगभग शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग में, शुक्रवार सुबह 1:30 से 3 बजे के बीच में। पुलिस की कामगिरी पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को सल्यूट करना पड़ेगा सर, हम लोग को जैसे मालूम पड़ा हम लोगों को कॉल किया, आधे घंटे के अंदर उन लोग की पूरी टीम आ गई। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सन सिटी का SPW का प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम फ्रेंकी है, जय निखिल कामदार भी हम लोग के सोसाइटी के, जैसे हमें मालूम पड़ा वैसे हम लोग ने मानिकपुर पुलिस स्टेशन और किनको तो पुलिस के तरफ से रियली हमको इतना कॉपरेशन मिला, और स्पेशली वी आर थैंक्स टू मिस्टर संजय पाटिल और DCP साहब, थैंक्स टू ACP मिस्टर प्रदीप गिरिधर साहब, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ सनअप साहब एंड हिज टीम एंड मिस्टर आयरे साहब, हमको जो पुलिसों की तरफ से जो सपोर्ट मिला और जो ये किया वी विल नेवर फॉरगेट, वी आर प्राउड ऑफ आवर साहब पुलिस, एंड स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स टू मिस्टर CP एंड एडिशनल CP।